हेलो, आज इस क्लास में हम लोग क्लास 12 के डिफरेंशिएशन के लिए चेन रूल करेंगे। चेन रूल का बारे में डिस्कस करेंगे। इसके प्रीवियस नॉलेज अगर चाहिए तो आप पिछली वीडियो यानी कैलकुलस या डिफरेंशिएशन फॉर क्लास 12 पार्ट 1 देखिए। उसमें हमने क्लास 11 के कुछ बेसिक रूल्स, फॉर्मूला वगैरह डिस्कस किए हैं। तो आज 12 का चेन रूल के बारे में बात करते हैं। चलिए, हमने पिछली क्लास में किया था d बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर n इक्वल टू एन एक्स का पावर n माइनस वन। एक्चुअल फॉर्म देख लीजिए, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर n का n एक्स का पावर n माइनस वन, साथ में भाई d बाई डी एक्स ऑफ एक्स भी रहता है, लेकिन ये चूंकि वन है इसलिए हम लोग नहीं लिखते हैं। इसी तरह दूसरा फॉर्मूला सब भी इसी तरह का है। d बाई डी एक्स ऑफ मान लीजिए साइन एक्स का लिखते हैं कॉस एक्स, लेकिन साथ में कॉस एक्स, साथ में d बाई डी एक्स ऑफ एक्स भी है, जो वेरिएबल है उसका डिफरेंस है फिर से, लेकिन ये वैल्यू तो वन होता है इसलिए हम लोग इसे नहीं लिख के सिर्फ cos x लिखते हैं। लेकिन आज हम लोग बात करने वाला है सिर्फ x नहीं, मतलब बात करने वाला है d बाई डी एक्स ऑफ मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वन का पावर 10, मान लीजिए d बाई डी एक्स ऑफ साइन क्यूब एक्स। इस तरह से पावर यहाँ सिर्फ x का नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस वन के पावर है, यहाँ पावर 3 है, एक्स का नहीं साइन एक्स का पावर 3 है। तो इस तरह के सम को करने के रूल को ही चेन रूल कहते हैं। तो आइए इसका शुरू करते हैं हम लोग। पहली बात, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर एन यानी एन एक्स का पावर एन माइनस वन, इसी के साथ डी बाई डी एक्स ऑफ यू का पावर एन एन यू एन माइनस वन, साथ में डी बाई डी एक्स ऑफ यू। यू का मतलब यहां पे है डी बाई डी एक्स ऑफ ए लीजिए साइन क्यूब एक्स, ये मतलब d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का पावर 3 है, इसे हम u कह रहे हैं। अभी दूसरी, d बाई डी एक्स ऑफ वन प्लस एक्स क्यूब का पावर 5, ये 1 प्लस एक्स क्यूब का पावर 5 है, इसे मैं u बोल रहा हूं, यानी d बाई डी एक्स ऑफ u का पावर 5। कोई भी एक्सप्रेशन, सिंगल x नहीं हो, यहां कुछ भी x का एक्सप्रेशन है, इसे हम u नाम दे रहे हैं। तो u का पावर n का डिफरेंशिएशन ये सर, इसके बारे में एक दो क्वेश्चन करने से आपको क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए लेते हैं y इक्वल टू साइन क्यूब एक्स ही मैंने लिया, तो y इक्वल टू ये इनफेक्ट साइन एक्स का पावर 3 है, यानी dy वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का पावर 3, इसे कह रहे हैं dy बाई डी एक्स ऑफ u का पावर 3, मतलब 3 u का पावर 2 अगेन d बाई डी एक्स ऑफ u मतलब साइन एक्स। ये हुआ आपका 3 साइन स्क्वायर एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स माने कॉस एक्स। इस प्रोसेस को ही चेन रूल बोलते हैं, यानी x नहीं, क्लास 11 के फॉर्मूला में सिर्फ x था साइन एक्स कॉस एक्स, एक्स का पावर एन e का पावर एक्स, अभी e का पावर एक्स नहीं, e का पावर कुछ और होगा 10x मान लीजिए, यानी x को अगर रिप्लेस करता है फंक्शन ऑफ x, उसको डिफरेंस करने को ही चेन रूल बोलते हैं। दूसरा सम लेता हूं, इसे मिटा देता हूं, y इक्वल टू वन प्लस साइन एक्स का पावर 5/3 मान लीजिए, तो डी वाई बाई डी एक्स यानी डी बाई डी एक्स ऑफ वन प्लस साइन एक्स का पावर 5/3, इसे ही मैं बोलूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ यू का पावर 5/3, मतलब 5/3 वन प्लस साइन एक्स मतलब यू 5/3, यू का पावर 5/3 माइनस वन, अगेन डी बाई डी एक्स ऑफ यू मतलब वन प्लस साइन एक्स। ये रहा आपका 5/3 वन प्लस साइन एक्स का पावर 3 एलसीएम 2, वन का 0 साइन एक्स का कॉस एक्स। ये रहा पावर रूल में। और भी अगर बताना चाहूं तो वाई इक्वल टू मान लीजिए 5x² प्लस 6x प्लस 1 का पावर 10, तो डी वाई बाई डी एक्स ये रहा आपका u का पावर 10, बार बार डी वाई डी एक्स लिखने की जरूरत नहीं, u का पावर 10 डायरेक्ट करिए 10, u मतलब 5x² प्लस 6x प्लस 1 पावर 10 माइनस 1 9, अगेन डी बाई डी एक्स ऑफ 5x² प्लस 6x प्लस 1, ये 10 5x² प्लस 6x प्लस 1 का पावर 9, इसका भी डिफरेंस है x² का 2x, 5 इंटू 10x प्लस 6, ये रहा आपके 10 10x प्लस 6 5x² प्लस 6x प्लस 1 का पावर 9। ये कुछ बेसी वेरी इजी है, एक एक्सप्रेशन x का उसका पावर मतलब u का पावर, मैं ऐसा बोल रहा हूं।
नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्मूला इसी से रिलेटेड. हमने बात किया था डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का, मैंने बोला था डायरेक्ट लिखिए भाई रूट एक्स मतलब एक्स का पावर हाफ, ऐसा लेंथ खींचेगा बड़ा हो जाएगा. रूट एक्स का डिफरेंस है 1/2 √x. उसी तरह डी बाई डी एक्स ऑफ रूट यू का 1/2 √u, अगेन डी बाई डी एक्स ऑफ यू. चलिए बात करते हैं इसकी. वाई मान लीजिए रूट ओवर 10x, ये रहा क्वेश्चन. तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट 10x. इसे पढ़ूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ रूट यू, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट यू 1/2 √u, 1/2 √u, रूट यू 10x, अगेन डी बाई डी एक्स ऑफ यू. यू माने यहाँ 10x को मैं यू बोल रहा हूँ, 10x. डिनोमिनेटर में 2√10x, 10x का डिफरेंस है 6x. ये यू वाले यू बोल के मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. दूसरा लेते हैं y इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3x + 5. तो डी वाई बाई डी एक्स मतलब रूट डी बाई लिख देता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3x + 5. डी बाई डी एक्स ऑफ रूट यू 1/2 √x² + 3x + 5, अगेन डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ यू मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 3x + 5. डिनोमिनेटर आने दें x² + 3x + 5, एक्स स्क्वायर का डिफरेंस 2x, 3x³, ये रहा आंसर. और भी इसी तरह छोटे छोटे सम सब कुछ बात नहीं. मान लीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ हमने यूज किया 1/x का -1/x². उसी तरह डी बाई डी एक्स अगर मिले 1/u तब लिखेंगे -1/u² अगेन डी बाई डी एक्स ऑफ यू मतलब वाई इक्वल टू 1/x² + 1. डी वाई बाई डी एक्स यानी डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x² + 1. डी बाई डी एक्स ऑफ इसे पढ़ूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ 1/u. 1/u का डिफरेंस है -1/u² मतलब x² + 1 का स्क्वायर, अगेन डी बाई डी एक्स ऑफ x² + 1. यानी रहा ये x² + 1 का पावर 2 -x² का 2x. ओके, मान लीजिए इधर y इक्वल टू 1/log x. dy बाई डी एक्स यानी पढ़ेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ 1/log x को, इसी को पढ़िए 1/u, वेरी इजी, -1/u² log x² अगेन डी बाई डी एक्स ऑफ log x -1/log x² इंटू log x का डिफरेंस 1/x, ये था आपका आंसर. इसी तरह x का पावर n का मैंने किया, उसी से रिलेटेड रूट एक्स का या रूट यू का, उसी से रिलेटेड 1/x या 1/u का. और भी कुछ इजी इजी छोटे छोटे सम सब है. मान लीजिए फॉर्मूला था हम लोग का डी बाई डी एक्स ऑफ e का पावर x का मतलब e का पावर x हमने लिखा. उसी तरह डी बाई डी एक्स ऑफ ई का पावर यू होने से हम लोग लिखेंगे ई का पावर यू, लेकिन डी बाई डी एक्स ऑफ अगेन यू. एग्जाम्पल एक वाई इक्वल टू ई का पावर साइन एक्स. डी वाई बाई डी एक्स मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ ई का पावर साइन एक्स, इसी को पढ़ेंगे ई का पावर यू, सेम होना चाहिए ई का पावर यू लिखिए, लिखते हैं नेक्स्ट. अगेन डी बाई डी एक्स ऑफ यू मतलब यहाँ साइन एक्स, वो आपका e का पावर साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंस कॉस एक्स. दूसरा सम लेते हैं, ये साइन एक्स मिटा के यहां मैंने रूट एक्स लिया. ऑल राइट, डी वाई बाई डी एक्स यानी डी बाई डी एक्स ऑफ e का पावर रूट एक्स, इसे पढ़ेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ e का पावर यू 1/ e का पावर यू, e का पावर यू मतलब रूट एक्स, अगेन डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, e का पावर रूट एक्स, फिर रूट एक्स का डिफरेंस 1/2 √x. तो e का पावर एक्स का, e का पावर एक्स होता है, e का पावर कुछ भी है तो सेम उसी को उतारिए, e का पावर सेम उतारिए और जो x के जगह में था उसका डिफरेंस फिर से करिए. ऑलराइट, नाउ अनदर एग्जांपल, d बाई डी एक्स ऑफ लीजिए log x का 1/x. उसी तरह d बाई डी एक्स ऑफ
log u का 1 by u, लेकिन साथ में d by dx of u. एग्जांपल में y equal to log sin x ले, तो d by dx यानी d by dx of log sin x, log u 1 by u. Again, d by dx of u मतलब यहाँ दिया आपका sin x. डिनोमिनेटर में sin x है 1, ये sin x का डिफरेंशिएशन cos x, यानी sin x cos x by sin x आपका हुआ cot x. ओके, आगे करता हूँ. log x plus root over x square plus 1 dy by dx, d by dx of log x plus root over x square plus 1. फिर से log u का 1 by u मतलब x root over x square plus 1, again d by dx of x plus root over x square plus 1. यानी डिनोमिनेटर दे सहायता नहीं दे, प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऊपर में 1 है, ये ब्रैकेट, x का डिफरेंशिएशन 1, फिर रूट यू का, फिर से जी रूट एक्स नहीं, रूट यू का डिफरेंशिएशन 1 बाय 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, अगेन ये यू का एक्स स्क्वायर प्लस 1 का जी 2x, 1 बाय एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इनटू ये 2 2 आपका कैंसिल था, LCM लीजिए root over x square plus 1, ये root over x square plus 1, ये x square plus 1 plus ये x, ये आपके cancel गए, 1 by root over x square plus 1, ये आपके x. तो log में जो भी है 1 by लिखिए, फिर उसका differentiate करिए. इसी तरह trigonometric functions के एक दो सैंपल लेता हूँ, फिर आगे करूँगा. लीजिए y d by dx of sin x का आप जानते हैं cos x, तो d by dx of sin u का cos u d by dx of u. इसी तरह सभी trigonometric functions के cos x का minus sin x, लीजिए cos d by dx of cos u का minus sin u, again d by dx of u. इसी तरह tan x का भी, tan x का sec square x, tan u का sec square u d by dx of u. तो trigonometric function separate आपको memory में रखने की जरूरत है, जो original आपको याद है उसी को याद रखिए, साथ में अगर x के जगह u है उसका differential फिर से लगाइए, फिर से लगाने को ही chain rule बोलते हैं, फिर से लगाना. अगर composite का composite होगा इस तरह के समसम है, मान लीजिए sin q x square, यहाँ देखिए sin x square है फिर q है, ये आपका u रहा, इस तरह के तीन चेन हो जाते हैं, अभी बताता हूं तीन चेन वाले. मान लीजिए y इक्वल टू पहले sin x स्क्वायर, तो dy by dx इक्वल टू d by dx ऑफ sin x स्क्वायर, ये रहा sin u, ये u, cos u अगेन d by dx ऑफ u, यानी cos x स्क्वायर d by dx ऑफ x स्क्वायर आपका 2x. फिर से लिख दीजिए 2x cos x स्क्वायर, ये लिखते हैं, मान लीजिए tan root x dy by dx equal to d by dx of tan root x, tan u का sec स्क्वायर u मतलब का ये, अगेन d by dx of u का मतलब तो sec स्क्वायर root x d by dx of root x 1 by 2 root over x. मान लीजिए tan के साथ में sin x plus cos x दे देता हूं, dy by dx tan u, तो sec square u मतलब लिखिए d sin x plus cos x, again d by dx of u मतलब sin x plus cos x, मतलब हुआ आपका sec स्क्वायर sin x plus cos x, ये सिंगल एक टर्म हुआ, साथ में इनटू है sin x का आपका cos x का माइनस sin x. ऐसा लिखने में हो सके कॉन्फ्यूजन हो, इसलिए आप इसे पहले लिखें cos x माइनस sin x इनटू sec स्क्वायर sin x plus cos x. ऑल राइट, वेरी इजी. जहां x के बदले में जो आया है
एक्स सोच के वही करिए और फिर इसका डिफरेंशिएट भी करिए। इनवर्स का एक दो बताता हूं, वाई इक्वल टू साइन इनवर्स रूट एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स, ये पढ़ रहा हूं साइन इनवर्स यू जी वन बाई रूट ऑवर वन माइनस u का स्क्वायर अगेन d बाई डी एक्स ऑफ डी यू, ये रहा वन बाई रूट ऑवर वन माइनस रूट का एक्स एक्स हुआ इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ रूट एक्स वन बाई टू रूट ऑवर x। अगर ठीक से लिखना चाहें तो ये टू रूट ऑवर x रूट ऑवर वन माइनस एक्स, ये बोल रहे। रहे बात तीन चेन की, मान लीजिए y इक्वल टू साइन क्यूब एक्स स्क्वायर, पहली नजर में हम लोग पढ़ते हैं साइन क्यूब साइन के पावर थ्री, तो हम लोग सोचेंगे या देखेंगे इस तरह y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर का होल क्यूब है जी, तो ये हो गया आपका u का पावर थ्री। अब करेंगे dy वाई बाई डी एक्स मतलब d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर का पावर थ्री, पढ़ रहे हैं u का पावर थ्री, तो थ्री यू स्क्वायर मतलब साइन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर अगेन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, ये पार्ट हो चुका है, इस पार्ट को हमको प्रोसीड करना है। देखिएगा थ्री ये साइन एक्स का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये पावर जो है ये साइन का है मतलब साइन स्क्वायर और ये एंगल है एक्स स्क्वायर, इतना तक हो गया। अब यहां फिर ध्यान दीजिए, फिर आया आपका साइन एक्स नहीं साइन एक्स स्क्वायर, अब इसे मैं यू ट्रीट करूंगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन यू का हुआ आपका कॉस यू अगेन डी बाई डी एक्स ऑफ यू, रहा आपका थ्री साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये रहा कॉस एक्स स्क्वायर और आपका एक्स स्क्वायर का टू एक्स, ये दोनों मल्टीप्लाई कर दे सिक्स एक्स साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर, ये है आपके आंसर। और देख मान लीजिए फिर से एक दिखाता हूं, वाई इक्वल टू लॉग साइन रूट एक्स, ये भी तीन चेन है, यहां सिर्फ लॉग साइन एक्स रहता तो ये लॉग एक्स के जगह साइन एक्स रिप्लेस हुआ, ये दो टुकड़ा लॉग एक्स एक्स के जगह साइन एक्स हुआ, फिर यहां साइन एक्स ठीक फंक्शन है लेकिन साइन के साथ रूट एक्स है, ये तीसरा फंक्शन हुआ। इस तरह एक्सप्लेन करूंगा इसको, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग साइन रूट एक्स, अब पढ़ेंगे लॉग यू वन बाई ये रहा यू अगेन डी बाई डी एक्स ऑफ यू लिखेंगे साइन रूट एक्स, ये आपका हो चुका है साइन रूट एक्स। अब फिर से चेन देखिए साइन रूट एक्स यानी पढ़ेंगे साइन यू का आपका हुआ कॉस यू अगेन डी बाई डी एक्स ऑफ जी ये रहा यू, आप इसे लिखिए कॉस रूट एक्स बाई साइन रूट एक्स, रूट एक्स का डिफरेंस है वन बाई टू रूट एक्स, इजी करने के लिए कॉस रूट एक्स बाई साइन रूट एक्स कॉट रूट एक्स बाई डिनोमिनेटर में टू रूट एक्स, ये रहे आंसर। ये कुछ बेसिक रूल्स थे, एक एक करके एक दो सम करके फॉलो करिएगा, बेसिक रूल्स ऑफ चेन रूल याद हो जाएंगे, इसके अगले क्लास में हम टेक्स्ट बुक के कुछ सम्स करेंगे।